चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको। टाइम एंड वर्क का आज तीसरा क्लास है और आज का इस क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक किरण पब्लिकेशंस एंड राकेश यादव। तो ये दो किताब जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आशा कर रहे हैं कि जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको आप देख लिए हैं। अगर आप देख लिए हैं तो उनको रिवाइज करिए क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते एक मोटिवेशनल शायरी से। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग था, तो इसी के लिए तो इसी से शुरुआत करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं? 15 दिन में। ए क्या करता है? 5 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता है, आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट। और बी क्या करता है? बचा हुआ काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ओके, तो 15 दिन में बी खत्म करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा? तो पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग को टाइम दिया हुआ है मगर वर्क नहीं दिया गया है। वर्क हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 15 अकेले है। ठीक है, 15 अकेले है तो हम लोग वर्क नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का ही हमको पता है कि वो कितना कर रहा है। तो खाली एक चीज़ से एलसीएम भी हम लोग क्या ही निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अगर हम लोग ये मान लें कि ए प्लस बी मान लेते हैं कि इतना ही वर्क करता है। ठीक है, कितना? ए प्लस बी का मान लेते हैं, लेट एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, मान लीजिए ए एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग को पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम लोग को पता है कि 15 दिन में ए कितना काम करेगा। ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करेगा, तो 15 दिन में दोनों मिलके इतना काम करेंगे। अभी क्या है कि अभी देखिए ए 5 दिन काम करता है मगर बी जो है, बी तो ए प्लस बी दोनों तो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं ए और बी। ए 5 दिन काम करके चला जाता है, बी जो है स्टार्टिंग से लगा हुआ है, और ए का बचा हुआ काम बी और 15 दिन एक्स्ट्रा में करता है। मतलब बी 5 दिन तो काम करता है ए के साथ, उसके बाद फिर से 15 दिन काम करता है, तो बी कितना है? 20 डेज। ठीक है, अभी देखिए मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी ए है, तो 5 दिन में ए कितना काम करता है? 5 ए। और 20 दिन में बी कितना काम करता है? 20 बी। तो अगर ये दोनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद क्या हमें टोटल वर्क आ जाएगा? 15 दिन में ए और बी जितना काम करता है उतना ही ये दोनों काम भी करता है, मगर 5 दिन ए का आता है, 20 दिन बी करता है। बात बस फर्क इतना में ही है। ठीक है, तो इसको आप इधर से हम लोग 5 काट सकते हैं, 5 5 से अगर काट देंगे तो 5 या 5 और 4। ठीक है, तो 5 4। तो इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा दोस्तों 3a+3b इज इक्वल टू a+4b। तो इसको हम और देख लेंगे तो 3a को इधर आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू b। ओके, तो a/b कितना आ जाएगा मेरा? 1/2। तो a इज टू b का मेरा रेशियो निकल गया 1:2। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ a कितना है? 1 है। एफिशिएंसी ऑफ b कितना है? 2 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अभी देखिए ए अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क। अभी तो हमको पता चल गया है कि वर्क कितना है, वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकालेंगे? मेरा टोटल एफिशिएंसी कितना है दोस्तों यहाँ पे? ये टोटल एफिशिएंसी हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए हम लोग को टोटल टाइम ही पता है, ए प्लस बी मिल के कितना दिन काम करता है? 15 दिन। तो 15 दिन काम करता है, इसीलिए हम लोग ए प्लस बी का यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है, इसीलिए इधर भी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 15 × 3। ओके, अभी ए डिवाइड, ये हो गया मेरा टोटल वर्क।
टोटल वर्क हो गया। अभी ए का अगर निकालना होगा तो ए का एफिशिएंसी निकालना होगा, ए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा, ए अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क, तो ए कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, तो ए का टाइम पूछा गया है, तो डिवाइडेड बाई वन एफिशिएंसी ऑफ वन, तो ये हो जाएगा 45 डेज, आंसर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्किंग 15 आवर्स अ डे, गोल्डी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, हाउ मेनी आवर्स अ डे ही शुड वर्क सो एज टू फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ये देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए थे, हम लोग को पता है कि M1 D1 T1 T1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2। हम लोग यहाँ पे पता है कि वर्क जो है दोनों जगह सेम है क्योंकि एक ही काम किया है, तो वहाँ वर्क कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आदमी एक ही है, गोल्डी का ही बात चल रहा है, तो गोल्डी है तो ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी D1 तो टाइम कितना 15 घंटा लग रहा है उसको, और D कितना है 24 डेज लग रहा है, इज इक्वल टू 18 डेज इंटू एक्स कर देंगे, 6 से काट लीजिए, 6 3 6 4 तो 3 से काट लेंगे 5, तो हम लोग को पता चल गया 20 आवर्स। अगर इसका मतलब ये है कि गोल्डी अगर 20 घंटा काम करेगा तो वो 18 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, देखिए एक्स अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, वाई अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, एक्स वाई और जेड अगर मिल के काम करते हैं तो वो उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे, एक्स वाई जेड अगर मिल के काम करेंगे तो वो 3 दिन में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन जेड अलोन डू दी वर्क, तो देखिए हम लोग इसका देखिए, इसमें हम लोग को पहले टोटल काम निकालना है कि टोटल काम कितना करता है, तो टोटल काम जो करता है इसमें क्या है, आपको क्या चीज़ फॉलो करना है। टोटल काम करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्स एक दिन में कितना काम करता है, वाई एक दिन में कितना काम कर देता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल के एक दिन में कितना काम करता है। तो ये लोग मिल के जितना काम कर रहा होगा उससे अगर वाई का एक दिन का काम माइनस कर देंगे और एक्स का एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो जेड का काम आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, इसी को फॉलो करते हैं। चलिए, तो इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। ठीक, एक्स का 3 मतलब 30/3 इज इक्वल टू 10 हो रहा है ना, 30/15 कितना होता है 2, और इसका 3 10। इसका मतलब ये है कि एक्स एक दिन में 3 काम करता है, वाई एक दिन में 2 काम करता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो तीनों मिल करके एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को पता है कि 10 काम करता है एक दिन में, एक दिन का। ठीक है, एक दिन का, और x कितना काम करता है 3, y कितना काम करता है 2, और ये z इज इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस z इज इक्वल टू 10, और z एक दिन में कितना काम करता है 5 काम। अभी z को काम ख़त्म करना है तो अकेले, तो टोटल काम उसके पास कितना है, 30 काम है। ओके, z का टाइम कितना है, 30 काम है, और एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो अकेले 6 दिन में काम ख़त्म करेगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज, राम और श्याम मिलके एक काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, राम कैन फिनिश द सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 डेज। तो राम, इसका मतलब है कि राम अकेले उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, हाउ लॉन्ग विल श्याम अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। तो इसमें से क्या है, वही सेम सीक्वेंस है, राम और श्याम का एक दिन का काम पता कर लेंगे और राम का एक दिन का काम पता कर लेंगे तो शाम का काम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो वो पता चल जाएगा। पहले इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 48 एंड 24 भी आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एलसीएम आप कर सकते हैं 24। ठीक, तो ये कितना, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, इसका मतलब ये है कि राम और शाम मिल के 3 काम करते हैं, वहाँ से राम जो है 2 काम करता है, तो शाम कितना काम करेगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 वर्क,
ठीक है, एक काम करता है। तो टोटल काम कितना दिन में ख़त्म करेगा दोस्तों? टोटल काम मेरा 24 है, एक दिन में वो एक काम करेगा तो वो 24 दिन तक काम करता ही रहेगा, ठीक है, 24 डेज। चलिए नेक्स्ट, ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज। ए कितना दिन में ख़त्म करता है पेंटिंग? 55 दिन में। बी उसी चीज़ को 66 दिन लगाता है, और सी, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक है। क्या दिया गया है? ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज, बी कैन डू इट इन 66 डेज, अलोंग विद सी दे डिड द जॉब इन 12 डेज। मतलब सी के साथ वो लोग मिल के 12 दिन में ख़त्म किया। वो लोग मिलकर मतलब कौन मिल के? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं 12 डेज। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60, 660, ठीक है, 660 आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना बार होगा? 55, 55 × 55, 110, मतलब 12। ओके, 66 × 10 = 12, 5 × 5 =, ठीक है। इसका मतलब यह है, ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है, और तीनों मिल के एक दिन में 55 काम करता है, ठीक है, 55 काम करता है। अभी दिया गया है, देन सी कैन डू द जॉब एलोन इन, सी अकेले कितने दिन में जॉब करेगा? तो ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग का ये आ गया है 55, ए का है 12, बी का है 10, सी का हमको पता नहीं है, देन ये क्या हो जाता है, 22 हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 55 − 22 = 33। तो सी 33 काम करता है, 33 काम करता है एक दिन में, एक दिन में सी 33 काम करता है। तो 660 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 660 / 33 = 20 डेज, ठीक है। चार नंबर, चलिए, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, सी अलोन टेक्स 4 डेज टू पेंट अ हाउस, ऑल थ्री ए बी सी वर्किंग टूगेदर टेक 16 डेज टू पेंट द हाउस, इट विल टेक हाउ मैनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे ये समझना है कि क्या चीज़ पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए का क्षमता जो है, ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? अगर ए बी से 3 गुना अच्छा है, इसका मतलब बी जो काम करता है उससे ए 3 गुना ज़्यादा जल्दी काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ए का जो एफिशिएंसी है, ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो ये बात है एफिशिएंसी का। इस चीज़ को हम लोग रेशियो के टर्म पर कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1a, तो a बाई बी इज इक्वल टू 3/1, और a इज टू बी हम लोग लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट नहीं है? चलिए, तो अभी देखिए, सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट द हाउस, सी अकेले 48 दिन में पेंट करते है। ये एफिशिएंसी है, ठीक है, इसको टाइम के साथ मत कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। अभी सी 48 दिन में पेंट करता है, ए बी और सी मिलके कितना दिन में पेंटिंग कर देता है? 16 दिन में। तो टोटल कितना पेंटिंग है दोस्तों? एलसीएम निकाल लेंगे 48, तो सी एक पेंटिंग करता है और ये लोग 3, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 पेंटिंग करता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो 3 काम करता है, सी एक दिन में एक काम करता है। अभी देखिए, अगर हम लोग इसको टोटल निकाल लें, हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है कि ए इज टू बी का एफिशिएंसी क्या है? 3:1 है। सी का एफिशिएंसी 1 है, और ए प्लस बी प्लस सी का देखा जाए तो उसका एफिशिएंसी 3 है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि इसका एफिशिएंसी कम है? अगर ये तीनों को हम जोड़ लें, ये ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो 3 + 1 + 1 = 5 हो जा रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है।
तो इसमें हमको अभी क्या करना है ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी देखिए तीन काम करता है एक दिन में, सी एक दिन में 48 काम। ये लोगों का पहले प्लस करिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, चार है। सी का एफिशिएंसी कितना है, एक है। मान लीजिए अभी ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग दो से गुना कर दें, अगर इसको हम लोग दो से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा छः, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो। तो अभी कितना हो गया, ए प्लस बी चार हो गया, सी मेरा दो हो गया, ये मेरा छः हो गया, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, अगर ये मेथड से भी आपको नहीं आता है समझ में, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि दो क्यों इंटू हुआ है, ये देखिए जब भी इस तरह का आए ना तो रेशियो हमेशा याद रखिए कि वो कभी भी सम नहीं है, ये कभी नंबर नहीं है, हम लोग इसके साथ क्यों नहीं गुना किए हैं। तो ए बाय बी मतलब ए अगर 3x काम करेगा बी x काम करेगा, सिंपल यही चीज़ है। तो 3x प्लस एक्स करने से कितना आ रहा है, 4x काम करता है ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना काम करता है, 3, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 3 काम करता है, सी कितना काम करता है, 1, और ए प्लस बी कितना काम करता है, 4। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, तो 3 4 1 12, ये 3। सॉरी, ठीक है, इसका एलसीएम मत निकल दो, थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप और एक शॉर्टकट मेथड जो यहाँ पे अपना सकते हैं, सी का यहाँ पे एक चला गया है, ए प्लस बी का हम लोग को पता है, ए प्लस बी का हम लोग को देखना है, वो एक्स में दिया गया है। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ए प्लस बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 3, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सी और ए प्लस बी प्लस सी निकाले हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अभी ए प्लस बी का कितना है मेरा दोस्तों, 4x, 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अभी x अगर 1/2 हो जाता है तो ए कितना है, ए है 3 है, तो 3 × 1/2 इज इक्वल टू 1.5। बी कितना हो जाएगा, 1 है, तो 1 × 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अभी क्या ये क्वेश्चन सक्सेसफुली होता है, तो प्लेस करके देखते हैं हम लोग ये एक्चुअल में इक्वेशन करता है कि नहीं। ए कितना हो गया, 1.5, बी कितना हो गया, 0.5, सी कितना हो गया, 1, तो 1.5 प्लस 0.5 2, और ये 1 तो 3, ठीक है। अभी ये हो गया है, नेक्स्ट इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस, तो बी अकेले उस हाउस को कितना दिन में पेंट करेगा। बी कितना करता है, 0.5 करता है। टोटल काम मेरा कितना है दोस्तों, 48 है, और बी एक दिन में 0.5 काम करता है, तो 48/0.5 इसको इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 96 डेज। ओके, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन को और एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, ये मेथड अब अलग रहेगा, ठीक है। एक ए इज टू बी हम लोग को इसमें से पता चल गया है कि 3:1 है, ठीक है। ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। बी अगर 1 गुना काम करता है तो ए 3 गुना काम करता है, पता चल गया। सी अकेले कितना काम करता है, 48 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, कितना काम करता है तो 16 दिन में, ठीक है। तो अभी इसका अगर एलसीएम निकाल लें तो 48 आ जाएगा, मतलब सी एक दिन में एक काम करेगा, सी एक दिन में एक काम करेगा, ये तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, 16 × 3 = 48, ठीक है। अभी ए प्लस बी अगर देखा जाए, अगर ये लोगों को देखा जाए, अगर ए प्लस बी मिल के देखा जाए तो वो लोग कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है,
ठीक है, सी कितना काम कर रहा है दोस्तों, एक काम कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है। तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता है कि ए प्लस बी चार काम करे, क्योंकि अगर ये चार काम करता है तो सी एक काम करता है, तो ये मेरा कितना काम होना चाहिए, एक्चुअल में ये पाँच काम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, पूरा से जो है आप इसमें क्या करेंगे, ये तीनों को हम लोग ए प्लस बी प्लस सी जो है वो तीन है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू जाएंगे इसका। शॉर्टकट मेथड यही है कि हम लोग को अगर आंसर मिलना है तो इसमें आप या तो वही एक्स लगा कर करिए, अगर एक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, सी मेरा सी हमको पता है वन है और ए प्लस बी का जोड़ हमको पता है कि फोर एक्स है, तो आप ये एक्स मेथड कर सकते हैं। बट अभी मान लीजिए हमको एक्स नहीं करना है, तो एक्स नहीं करना है तो क्या, सी का नेक्स्ट, सी क्या है हम लोग का वन है, तो ये नेक्स्ट वैल्यू जा सकते हैं। थ्री का मल्टीपल कितना आएगा, थ्री इंटू वन करने से थ्री आएगा, तो थ्री इंटू टू करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो इधर इसको अगर इंटू टू करेंगे तो सी को भी इंटू टू कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, अभी ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, फोर है, सी मेरा टू है, ये मेरा सिक्स है। ठीक है, ए कितना हो गया दोस्तों मेरा, ए मेरा हो गया, ए हो गया तीन, बी हो गया एक, सी हो गया दो, अभी मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी मेरा आंसर आ गया, ये वाला मैच सेटिस्फाई कर लेता है इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मेरा निकल गया थ्री, इसका निकल गया एक, इसका निकल गया छः। ठीक है, अभी किसका पूछा है, हाउ मैनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस, तो टोटल काम कितना है, 48 है, मगर हम लोग इधर इंटू टू किए हैं तो इसको भी इंटू टू कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क को हम लोग इंटू कर रहे हैं। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई बी, एक दिन में कितना काम करता है, एक करेगा, तो टोटल 96 डेज। ये पहला मेथड है, अभी हम लोग दूसरा मेथड जो तब सीखे थे, कन्फ्यूज़न रहा होगा उस चीज़ को हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, पहले काम क्या करिए, ए ए इज़ टू बी, हमको अच्छा से पता है कि ए इज़ टू बी इज इक्वल टू थ्री इज़ टू वन है, ए सॉरी क्या था उसके बाद, ए बी सी, सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 48 काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में सॉरी मतलब 16 दिन में काम खत्म करते हैं, टोटल 48 हो गया, तो सी एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में तीन काम करेगा। ठीक है, अभी देखिए सी एक काम करता है तो ए प्लस बी मेरा कितना काम करेगा, प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, ए प्लस बी मेरा कितना काम करेगा, दो काम करेगा, मगर यहाँ पे हमको पता है कि ये तीन प्लस फोर एक्स काम करता है, थ्री इज टू वन है, मतलब इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स इज टू वन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं टोटल फोर एक्स, तो ए प्लस बी टोटल फोर एक्स काम करता है, तो एक्स हमको पता चल जाएगा टू बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया, मतलब एक्स क्या है 0.5 है, तो ए क्या है, ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री एक्स इज टू वन एक्स है। ठीक है, तो थ्री एक्स मतलब थ्री इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.5 इज टू 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5, तो बी का काम कितना हो गया, 0.5 हो गया, टोटल काम मेरा कितना है दोस्तों, 48 है, 48 है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 0.5, तो इधर हो जाएगा 96 आंसर। नेक्स्ट, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए और बी क्या होता है, मिल करके एक काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, बी अलोन उस काम को 36 दिन में ख़त्म करता है, तो ए अकेले कितना ख़त्म कर पाएगा। तो पहले पता चल गया है, ये बहुत आसान सवाल है, बी का एफिशिएंसी ही निकाल लेना है, बी का ये टोटल का भी हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा, 36 टू 720 72 36 36 इंटू 5 180, तो ये कितना, ए प्लस बी 9 काम करता है और बी कितना काम करता है, बी 5 काम करता है अकेले, तो ए मेरा दोस्तों कितना काम करता है, अभी तो शॉर्टकट मेथड में है दोस्तों, हर बार आप सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है। ठीक है ना, देखिए बताने को हम ये भी बता सकते हैं कि ए प्लस बी, देखिए ए का वैल्यू इधर 4 हो जाना चाहिए, कैसे, देखिए ए प्लस बी कितना है, 9 है, बी मेरा 5 है, तो ए हो जाएगा 9-5 इज इक्वल टू 4, इतना सारा लिखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ख़राब जाएगा। ठीक है ना, इतना इसीलिए लिखना नहीं है, डेट शॉर्टकट मेथड लिखिए, भले ही पेपर आपको अनलिमिटेड दिया जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको टाइम में क्लियर करना है। तो एक पजल क्या, 4, टोटल वर्क मेरा है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 60 45 डेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। द
देखिए पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद सम मैशंस प्रॉमिस टू डू अ वर्क इन 10 डेज बट 8 ऑफ देम वर एबसेंट एंड रिमेनिंग डिड द वर्क इन 18 डेज। नया कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, सम मैशंस प्रॉमिस टू डू, तो कुछ मैसन थे मतलब जो मिस्त्री हैं जो घर उर बनाते हैं, कुछ मिस्त्री कसम खाते हैं कि हम भाई 10 दिन में घर बना देंगे, मगर उनमें से क्या है, मान लीजिए एक्स मिस्त्री थे, उनमें से क्या है, 8 एबसेंट थे, 8 एबसेंट थे एंड रिमेनिंग डिड द वर्क इन 18 डेज, और जो रिमेनिंग बचा वो लोग कितना दिन में काम ख़त्म किया, 18 डेज में। देखिए यहाँ से कुछ आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, m1 d1 t1 by w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 by w2। m कितना है दोस्तों मेरा, x है, वर्क तो सेम है, काम सेम ही है, और घंटा भी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, तो x इंटू कितना दिन में काम ख़त्म करने का बात किया था, 10 दिन में। अब 8 एबसेंट है उसमें से, तो 8, तो कितना मैसन बचा है अभी, x माइनस 8, और ये 18 दिन में काम करता है। ठीक है, चलिए 2 से काट लेंगे, 2 9 जर 2 5 सर, इसका मतलब 5x इज इक्वल टू, अभी 9 को इसमें ब्रैकेट खोल देंगे, 9x माइनस 72, तो 72 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड देन 18, 18 अब कैंसर है क्या, 18 मैसन, इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मैसन 1 थे, 18 मिस्त्री आने का वादा किए थे मगर 8 ही मिस्त्री आए, इसकी वजह से काम उनका डिले हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं शेड्यूल को, तो अब फिर नेक्स्ट फिर से और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हर बार कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, रिवाइज करिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।